अच्छी हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक डेजर्ट का रेसिपी। तो आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसको डेजर्ट ही बोलती हूँ और वो है डालगोना कॉफ़ी विथ आइसक्रीम। तो इसको हम बनाएंगे विदाउट ब्लेंडर और ये खाने में जितना टेस्टी है और दिखने में भी और भी टेस्टी लगता है। चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ डालगोना कॉफ़ी और इसका एक सीक्रेट टिप्स भी है जो कि मैं आपको दूंगी। तो लेट्स गो टू माई किचन। तो डालगोना कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है दूध। दूध को मैंने उबाल लिया है और इसमें थोड़ा सा चीनी मैंने डाल दिया है। बाकी हमें चाहिए चीनी और कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी, चॉकलेट सिरप, कुछ ड्राई फ्रूट्स और किशमिश मैंने लिया है और ये मैंने लिया है एक वैनिला आइसक्रीम। ये है नो शुगर एडेड आइसक्रीम। आप चाहे कोई भी फ्लेवर का आइसक्रीम ले सकते हैं आपके हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे। अभी मैं क्या करती हूँ, 2 चम्मच कॉफ़ी डालती हूँ, 2 चम्मच चीनी, मैं 2 चम्मच और थोड़ा सा डालती हूँ, बस ये हो गया। हॉट वाटर ये भी हम डालते हैं 1, 2 और 3 चम्मच। तो आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है या ऐसे ऐसे नहीं करना है, आपको दोनों साइड से ऐसे पकड़ना है इसे और ऐसे ब्लेंड करना है। अगर ऐसे करेंगे ना तो 5 या 6 मिनट में ये आपका तैयार हो जाएगा कॉफी। अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो ये बहुत टाइम तक ऐसे ही आप करते रहेंगे और आपका हाथ दुख जाएगा। तो इसका टिप्स यही है सीक्रेट वाला कि ऐसे ऐसे आपको करना है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये बहुत ही कम मिनट में हो जाता है। अब देखिए अभी से शुरू हो गया है, देख सकते हैं। तो ऐसे ही करते जाइए करते जाइए। ये ब्लेंडर का काम करता है, आपको कोई भी ब्लेंडर की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये हैंड, ये छोटा सा ब्लेंडर में ही आपको करना है और ये बहुत जल्दी हो जाता है। अभी देखिए ये रेडी है, ये गिर भी नहीं रहा है, रेडी है। और आप यकीन मानिए मुझे ये 5 मिनट ही लगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप अगर ऐसे ऐसे करते रहेंगे ना, ये 15 से 20 मिनट लग जाएगा। और ऐसे ऐसे भी करेंगे, एंटी क्लॉक वाइज या क्लॉक वाइज अगर आप करेंगे तो ये बहुत टाइम लेता है, लेकिन ये ऐसे ऐसे करने से 5 मिनट में ही हो जाएगा आपका कॉफी रेडी। तो देखिए ये रेडी है, अभी गिर भी नहीं रहा है। अभी इसको मैं 5-10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दूंगी, उसके बाद इसको हम दूध में मिलाएंगे और बनाएंगे इसका डालगोना कॉफी। तो अभी मैं एक ग्लास ले रही हूँ, इसमें ही हम बनाएंगे। ये मैंने लिया है चॉकलेट सिरप और इसको हम ऐसे ही करके ऊपर में चारों तरफ ऐसे फैला लेंगे ताकि ये नीचे तक स्प्रेड कर जाए और दिखने में अच्छा लगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूध लेंगे, मलाई को हटा देंगे और बाद हम वैनिला आइसक्रीम ले रहे हैं और थोड़ा सा अभी हम कॉफी डालेंगे इसमें। और थोड़ा
फिर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। और लास्ट में चॉकलेट सिरप। कैसा लगा मेरा डालगुना कॉफी? होप आप लोगों को बहुत 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 ही अमेजिंग लगा होगा। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कितना अच्छा लुक है इसका, आप देखिए। और आप भी इस तरह से बनाइए और डालगुना कॉफी का मजा लीजिए। बहुत ही टेस्टी है। होप आप लोगों को मेरा वाला ये डालगुना कॉफी का रेसिपी बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ और एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।